अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टेक्निकल रहमान ऑनलाइन चैनल में। मैं सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास ही एक डीसी 12 वोल्ट का कूलर वाला पंप है। हम इसको 12 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट का अडैप्टर बार मुकम्मल चलाकर आपको दिखाने वाले हैं। यह पंप आपको बहुत आसानी के साथ किसी मार्केट से मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान से मिल जाएगा। आप इसके बहुत आसानी के साथ अपने घर पर इसको चला सकते हैं। आप इसके साथ अपनी पानी वाली टैंकी भी भर सकते हैं और इसको बहुत आसानी के साथ बैटरी पर चला सकते हैं। आप इसको सोलर प्लेट पर भी चला सकते हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने बैटरी और अडाप्टर के कनेक्शन आपस में कर दिए। बैटरी के पॉजिटिव वायर पर, अडाप्टर के पॉजिटिव वायर को नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर पर लगाकर बैटरी को सबसे पहले चार्ज करेंगे। आपको दिखाएंगे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं। इसके बाद हम 12 वोल्ट का अडाप्टर के कनेक्शन मुकम्मल करके इसके बाद 12 वोल्ट पंप के कनेक्शन करेंगे। आप जैसे हमने कूलर पंप वाटर पंप के कनेक्शन इसके साथ कर देंगे। अब हम 220 बार इसको लगाएंगे और आपको वाटर पंप को चलाकर दिखाएंगे। आप जैसे हमने दोनों को इसके कनेक्शन करके आपको मुकम्मल चलाकर इस पंप को दिखाने वाले हैं। आपको किसी भी दुकान से 750 रुपए में बासानी मिल जाएगा। अब हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इसको मुकम्मल इसको लगा के चेक करवाएंगे। अब जैसे हमने इसको मुकम्मल अच्छे से पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को, बैटरी के पॉजिटिव वायर के साथ पॉजिटिव वायर को, नेगेटिव वायर के साथ नेगेटिव वायर को लगाएंगे। अब जैसे हमने इसको पॉजिटिव वायर के ऊपर पॉजिटिव वायर को लगाने लगे हैं। अब हम नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ इसके बाद लगाएंगे। आप दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर पर लगा दिया है। अब हम नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर के साथ लगाएंगे। आज जैसे हमने बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के ऊपर नेगेटिव वायर को लगाकर इसको पंप को चलाकर आपको मुकम्मल दिखाएंगे। आप जैसे हमने दोनों वायर को इसके ऊपर बैटरी के ऊपर अच्छे तरीके से लगा दिया है और हमारा पंप बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करेगा नहीं, हम मुकम्मल इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप जैसे हमने हमारे कनेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसको मुकम्मल आपको चलाकर दिखाते हैं। वाटर पंप आपकी टैंकी को मुकम्मल 15 से 20 मिनट में मुकम्मल भर देगा। आप देख सकते हैं हमारा वाटर पंप बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ बैटरी के ऊपर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि दोस्त मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल टेक्निकल रहमान ऑनलाइन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।